ईओ या सीओ ये भी अपनी एक मेरी चेतावनी साफ अक्षर सुन लो, जे सामने इन्होंने एक अक्ष काम किया दोबारा सामने धोखाबाजी ये हूँ कूड़े के घर च लगेगा। ये अच्छ मैं साफ कहना है तो जे कोई इन्होंने हमारा लखनपुर में जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट है आकाश जी, उन्होंने बताया कि हमारी जो लोकल बॉडी की डिप्टी मैम है वो यहाँ पे है कि पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पे माइट ऑन माई प्राइड चल रहा है, लेकिन हम सब उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग आराम से अपने अपने स्टेशनों पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई ऐसा उग्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैम है ये हमें मजबूर कर रही है कि हमें ज़ोर ज़बरदस्ती और रोडों पे आने के लिए, क्योंकि ये अफसर शाही चला रहे हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती गाड़ियां निकाल के काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको मीडिया के माध्यम से वार्न कर देता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा ना हो, ये जो स्ट्राइक जो बिल्कुल पोलाइटली और आराम से हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे चलने दें, नहीं तो हम लोग रोडों पर आ जाएंगे और ऐसा ना हो कुछ और ही एक्शन देखने को आपको मिल सकता है। हमें जैसे हम बैठे हैं हमारी मांगे जो जायज हैं उनको पूरा करें, हमारे जो डेली वेजर कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं उनको परमानेंट करें और हमारी ढाई दिन की सैलरी जो हमारी मंथली सैलरी है उसके साथ जोड़ के दें और हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन करें। कुछ कमेटियों में पोस्टें नहीं हैं और हम चाहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए और हमारी फैमिलीज वो सारी हमारे साथ होंगी, तो हमारा जो शहर है जो टाउन है हमारा पूरा J&K इस समय कश्मीर और जम्मू पूरा प्रोविंस इकट्ठे स्ट्राइक पे कर रहा है, ऐसा ना हो कुछ इनको उग्र प्रोटेस्ट देखने को मिले। थैंक यू। ये हमारा के डिप्टी टैग मैडम है वो सुबह जबरदस्ती वो मैडम जबरदस्ती काम करवा रहे थे गाड़ियां बाहर निकाल के और बकायदा पुलिस वालों को बुलाया था यहाँ पे जब जोर जबरदस्ती काम करने लगे थे, तो हमने अपने कठुओं को दानिश भैया को और हमारे सोमराय प्रधान को बुलाया, उनकी पूरी टीम आई और उन्हें काम को रोका है और हम इनको बोलना चाहते हैं जबरदस्ती ना करें हमारे साथ वरना हम रोडों पे आ जाएंगे और गंद और गंद डालेंगे लखनपुर में जितना होगा। और ख़ासतौर में बताता अपने लोकल हमारे चेयरमैन है जो इनको बोलते हैं हमारी सपोर्ट में आइए और हमारे सपोर्ट के लिए लोकल हमारे लोकल हैं वो बोलते हैं बड़े दुखी हो गए हैं, वो दुखी हो गए हमारे मुलाजिम दुखी नहीं है, 9,000 रुपये सैलरी मिली है वो दुखी नहीं हो रहे हैं, ये दुकान वाले ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी समर्थ में आए हमारा साथ दें और ऐसे जोर जबरदस्ती मत करें। मीटिंग के लिए पहले दौर की मीटिंग के लिए हमें जम्मू में बुला रहा है और दूसरा यहाँ पीछे चोरी से गाड़ियाँ निकाल के सफाई करवाने की कोशिश कर रहा है। ये दोगली पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर उन्होंने हमसे बात करनी है तो इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं इनको ये बंद करने की, और अगर ये हरकतें ये बंद नहीं करेंगी तो हम किसी भी तरीके की गवर्नमेंट से कोई भी बात नहीं करेंगे। और दूसरा ये जो CO और EO और जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लखनपुर के, ये चोरी यहाँ से सफाई कूड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमारी साफ और सब स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी है कहीं ऐसा ना हो कि यही कूड़ा उठा के हमें इनके घरों में फेंकना पड़े, फिर इनको पता लगेगा कि यहाँ से तो JCB कूड़ा उठा देगी, इनके घरों के अंदर से कौन कूड़ा उठाएगा। और हमारी इनसे यही डिमांड है, हाथ जोड़ के यही डिमांड है कि प्लीज़ हमें पीसफुल तरीके से हमारा प्रोटेस्ट करने दीजिए, हमें ना छेड़ा जाए, कल को ऐसा ना हो, अभी तो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही आए हैं, कल को इनके बच्चे इनके रिश्तेदार सभी यहाँ पर आ जाए और पूरा का पूरा लोकल बॉडी का सफाई कर्मचारी यहाँ लखनपुर में इकट्ठा हो जाए, इनको इनसे कंट्रोल नहीं होगा। और आज शाम को 4 बजे का डिप्टी डायरेक्टर मैडम ने टाइम दिया है कि मैं सफाई करवाऊंगी,
तो ठीक है देख लेते हैं, वो सफाई करवाती है कि हम उसकी सफाई यहाँ पे कर देंगे। यहाँ कोई सफाई नहीं होगी जब तक हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है, उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक कोई सफाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।